राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में माया शिवरात्रि पर कुछ बड़ा प्लान कर रही है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अभिमन्यु के सामने जल्द ही अबीर की सच्चाई आ जाएगी। तो वहीं कुंडली भाग्य में सब कुछ रोमांटिक और लवी डवी चल रहा है। अब ये तो थी शो की मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में माया अनुज के प्यार में बेशर्म थी, लेकिन अब तो ढीठ भी हो चुकी है। खुल्लम खुल्ला अनुपमा के सामने ही उसकी कमीज का बटन लगाने के लिए कहती है, लेकिन क्या एक ही सुर में अनुज और अनुपमा उस माया को मना कर देते हैं? हमको तो देखकर बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आ जाता है। होता यह है कि काव्या अनिरुद्ध से मिलकर घर आती है तो बा उसे ताना देती है। बा कहती है कि शर्म नहीं आई मुँह काला करने में? अब काव्या जवाब देते हुए कहती है कि यही काम तो आपका बेटा भी करता है। अब बापूजी कहते हैं कि अब इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा और हर कोई शिवरात्रि की पूजा पर फोकस करेगा। वो वनराज से कहते हैं कि सभी लोग जोड़ों में बैठकर शिवरात्रि की पूजा करेंगे। उधर अनुज घर आता है और बताता है कि 2 दिन बाद अनुपमा का जन्मदिन है और वो दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। माया कहती है कि वो अनुज की मदद करेगी, लेकिन अनुज साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो बताता है कि बापूजी ने घर पर शिवरात्रि की पूजा रखी है, वो भी जोड़ों के लिए। अब माया सोचती है कि वो भी इस पूजा में अनुज के साथ बैठेगी। उधर काव्य परेशान है क्योंकि उसे माया का सच पता चल गया है। काव्य नहीं चाहती कि अनुपमा का दिल दोबारा टूटे। अगले दिन अनुपमा के साथ साथ माया भी व्रत रखती है अनुज के लिए। अनुज की शर्ट का बटन टूट जाता है और वो अनुपमा से लगाने के लिए कहता है। तभी माया कहती है कि वो फ्री है और वो लगा सकती है। अनुज और माया दोनों ही एक साथ मना कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच खूब रोमांस होता है और ये देखकर माया को जलन होती है। वहीं शाह हाउस में शिवरात्रि की पूजा होती है और सभी लोग जोड़ों में बैठकर पूजा करते हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब शो में अबीर के अभिमन्यु के बेटे होने के सच पर फोकस किया जाएगा। हमको तो लग ही रहा था कि आरोही अभिमन्यु की शादी तक आते आते अबीर का सच सामने आ जाएगा और अभिमन्यु फिर दोबारा धर्म संकट में फंस जाएगा कि वो रूही को चुने या अबीर को। होता ये है कि मंजरी पूरे मूड में है कि उसे जल्द से जल्द अभिमन्यु की सगाई करानी है। अब अक्षरा के आने के बाद तो उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वो सीधा पंडित को फ़ोन करने लगती है और सगाई के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कहती है। अब अभिमन्यु तारा मारते हुए कहता है कि मिम्मी के जन्मदिन को ख़राब करने से पहले तो सोचा नहीं, तो अब किस बात का मुहूर्त निकाल रही हो? अब मंजरी कहती है कि ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, चाहे जिससे मेरा फैसला गलत लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर आरोही पूरे परिवार से अभिमन्यु के लिए लड़ रही है। वो कायरव से कहती है कि अभिमन्यु की बेइज्जती करना बंद करे, क्योंकि बीते 5 साल में उसने रूही को कभी उसके पापा की कमी नहीं होने दी। अभिमन्यु अब बदल गया है और रूही उसका संसार है। उसने नील से किया हुआ वादा आज तक पूरा किया है। कायरव कहता है कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू उसकी ज़िंदगी में वैसी जगह नहीं बना पाएगी जो होनी चाहिए। तभी अभिमन्यु भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही मंजरी का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है कि जल्द से जल्द आरोही और अभिमन्यु की सगाई करानी है। अब इस बात पर हार थककर मनीष और मिम्मी भी राज़ी हो जाते हैं, हालांकि कायरव अभी भी खुश नहीं है। अब सभी लोग मिलकर अभिमन्यु और आरोही का टीका करते हैं, अक्षरा भी करती है, लेकिन बेचारी का दिल बुरी तरह टूट चुका है। आप देखेंगे कि अभी अभिमन्यु की शादी तक रुकने की बात करेगा, लेकिन अक्षरा साफ मना कर देगी। आने वाले एपिसोड में अभीर को तेज़ बुखार आ जाएगा और अक्षरा अभिमन्यु से उसका इलाज करने से मना कर देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अभीर का सच अभिमन्यु के सामने आ जाएगा। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और करण के बीच सब कुछ लवी डवी चल रहा है, लेकिन वहाँ पूरा लूथरा परिवार परेशान है क्योंकि दोनों की जान को खतरा है। राखी का तो रो रो कर बुरा हाल है। होता ये है कि करण और प्रीता अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं और नताशा और रॉक्सी दोनों
मिलकर वहां से निकलने का मौका ढूंढ रहे हैं। उधर सिस्टी और समीर ऋषभ के ऑफिस पहुंचते हैं और दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। सिस्टी लेकिन माफ़ी भी मांगती है और समीर पर गाड़ी चलाने के दौरान गुस्सा दिलाने का आरोप भी लगाती है। अब इसी बीच शर्लिन ऋषभ को फ़ोन करती है और पैसों की डिमांड करती है, लेकिन ऋषभ कहता है कि उसने दोबारा उसके साथ धोखा किया है और नताशा को पहले ही आगाह कर दिया। लेकिन शर्लिन अपनी माँ की कसम खाती है और ऋषभ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा ने सई के झुमके को लेकर बवाल कर दिया है। ये झुमका चव्हाण निवास में बम की तरह गिरा है और इस बम को जोरदार तरीके से पत्रलेखा ने फोड़ा है। पत्रलेखा कहती है कि विराट ने तो निब्बा निब्बी को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब वो खुद सई की सारी निशानियों को विराट के लिए घर में सजा कर रखेगी। अब इसका जवाब देते हुए विराट कहता है कि तुमको तो मौका चाहिए तमाशा करने का, सो तुमने कर दिया। विराट पत्रलेखा से अकेले में बातचीत करने के लिए कहता है, लेकिन पाखी साफ मना कर देती है, जिसके बाद भवानी विराट को अपने दिल की बात सुनने और खुश रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि सही ही इस घर की खुशियों की चाबी है, लेकिन विराट कहता है कि दिल से बड़ा तो फर्ज होता है और वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उधर पत्रलेखा सई को झुमका लौटाने के लिए पहुंच गई है और उसे वहां जाकर खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि वीनू उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब ये सुनकर सई टूट जाती है। अब विराट सई को मनाने के लिए आता है तो उल्टा सारा गुस्सा सई विराट पर निकाल देती है। तो दोस्तों, ये तो थे आज के सीरियल सी अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात हुई किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।